हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 360 यन। दोस्तों आइए मिशन, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि आपकी सप्लीमेंट्री और एक नॉर्मल जो मार्कशीट होती है उसमें दोस्तों कितना क्या अंतर रहता है, सप्लीमेंट्री यानी कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट की वैल्यू कितनी क्या रहती है। इस संबंध में दोस्तों छोटी सी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखें। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिए एंड बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं एक एमपी बोर्ड की सप्लीमेंट्री की मार्कशीट बता देता हूँ कि आपको सप्लीमेंट्री मार्कशीट में कितना क्या यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक स्टूडेंट थी, इनको सप्लीमेंट्री आई थी, यहाँ पर इंग्लिश में इनके 15 नंबर आए थे। इन्होंने सप्लीमेंट्री का जब एग्जाम दिया उसके बाद दोस्तों इनकी जो मार्कशीट आई पास होने के बाद, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इनके 42 नंबर है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे विशेष रिमार्क्स, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर स्टार का साइन लगा है, मतलब दोस्तों जिस भी सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आती है वहाँ पर आपको स्टार का साइन देखने को मिल जाता है। दोस्तों इतना ही अंतर होता है एक नॉर्मल मार्कशीट और सप्लीमेंट्री वाली मार्कशीट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें विशेष रिमार्क में स्टार लगा है ऐसे स्टूडेंट के इंग्लिश सब्जेक्ट के सामने, मतलब इनकी यहाँ पर इंग्लिश में सप्लीमेंट्री आई थी और सप्लीमेंट्री के बाद ये फाइनली पास हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री की मार्कशीट में शो होता है। अब दोस्तों सीबीएसई की बात करूँ तो यहाँ पर सीबीएसई की जो मार्कशीट होती है दोस्तों, उसमें यहाँ पर एक ऊपर कॉर्नर पर सी का साइन बना रहता है, मतलब इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट। दोस्तों मेरे पास अभी किसी स्टूडेंट की मार्कशीट नहीं है कंपार्टमेंट वाली, नहीं तो मैं आपको बता देता, उसमें दोस्तों ओनली ऊपर एक सी लिखा रहता है। तो इतना ही अंतर होता है दोस्तों एक नॉर्मल मार्कशीट में और कंपार्टमेंट वाली मार्कशीट में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एमपी बोर्ड में स्टार का साइन लगा आता है और जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें ऊपर सी लिखा रहता है। अब बात करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी क्या रहती है। तो दोस्तों देखिए, जब आपकी सप्लीमेंट्री आती है कंपार्टमेंट आती है तो इसकी जो मार्कशीट आती है दोस्तों, इसकी वैल्यू यहां पर सेम रहती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको आगे, क्योंकि किसी भी जॉब में ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता कि सप्लीमेंट्री वालों को नहीं लेंगे या सप्लीमेंट्री की मार्कशीट वालों को नहीं लेंगे। तो दोस्तों आपका यहां पर मेन यहां पर फोकस रहता है कि आपका जो नॉलेज है उसको आधार पर आपको कोई भी जॉब दी जाती है, चाहे आप प्राइवेट कंपनीज में चले जाइए या गवर्नमेंट कंपनीज में चले जाइए। दोस्तों यहां पर आप पर परसेंटेज की वैल्यू रहती है। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि उनका यहाँ पर 75% 80% के बाद भी किसी एक में सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट आ जाती है, उसके बाद दोस्तों ऐसा तो होता नहीं है कि इनका करियर बर्बाद हो गया। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए, आपकी जो सप्लीमेंट्री वाली मार्कशीट है इसकी सेम वैल्यू रहती है जो एक पासिंग मार्कशीट रहती है, उसके बराबर ही वैल्यू दोस्तों सेम रखी जाती है। और दोस्तों देखिए, आपको जो भी डाउट्स आ रहा है इसके रिगार्डिंग कि सप्लीमेंट्री आ गई है तो यार अब क्या करना है, तो आप दोस्तों मेरे को डाउट्स अपना इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहाँ से दोस्तों आप जो भी डाउट्स है आप मेरे को पूछ लीजिए, इसका आपको मैं 100% रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपकी सप्लीमेंट्री और एक नॉर्मल मार्कशीट में कितना क्या अंतर रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी, आई होप दोस्तों आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।